कुछ दिन पहले मलोट में एक दुकान से दो अज्ञात नकाबपोश लुटेरों द्वारा पिस्टल की नोक पर 21,000 कैश छीन लेने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मलोट सिटी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही पिस्टल के साथ दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बारे जानकारी देते हुए उप कप्तान बलकार सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर की दोपहर दो नकाबपोश युवक मलोट के बस स्टैंड पर स्थित एक बर्तनों की दुकान से पिस्टल के बल पर 21,000 रुपए छीनकर फरार हो गए थे, जिस पर दुकानदार ने मलोट पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद थाना सिटी मलोट की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 घंटे के भीतर ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा प्रयुक्त पिस्टल और दो जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान पाया गया है कि एक आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है। कर्ण सन्नव सुरेंद्रपाल अमन नगर मलोट ने मिति 24 दिसंबर नूं पुलिस पास बयान दिता कि उसकी भांड्या की दुकान के विचों दो नौजवान लड़के पिस्तौल नुमा चीज की नोक से 21,000 रुपये की जिहड़ी आ उह स्नैचिंग करके भज गए ने, जिहदे ते पुलिस ने मुकदमा नंबर 308 अधीन धारा 379B थाना सिटी मलोट दर्ज रजिस्टर करके मुकदमा की तफ्तीश अमल में लिया। तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर जिहड़े मुकदमा के हक्की दोषी सीगे मनजीत सिंह वासी भगवानपुरा ते गुरमीत सिंह वासी सरावां बोदला ढाणियां जिहड़ा उन्हां नूं असमझाता अनुसार गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके मानयोग अदालत विच पेश करके दो दिनों का रिमांड हासिल किया। दौराने रिमांड दोषी गुरमीत सिंह पासों एक पिस्टल .32 बोर समेत दो कारतूस देसी जिहड़ा वह बरामद करके रिकवरी की है। हाली इन पासों होर मजीद पुछगिछ जारी है। इन दियां जिहड़ियां सी शहर दे विच लगे हुए सीसीटीवी कैमरियां दे विच जिहड़ियां फोटोआं आ गईआं उन्हां फोटोआं तों इह बंदे पछाणे गए सी। वह हाली साडे तफ्तीश दा मैटर आ, वह आप तुहाडे नाल शेयर नहीं कर सकते, वह बाद विच तुहानूं दस्सां। जिहड़ा गुरमीत सिंह सरावां बोदलां वाला इहदा हुणे ही सरावां उत्थों कबराले थाणे तों इहदा रिकॉर्ड हासिल किया गया, इहदे ते पहलां वी इक मुकदमा जिहड़ा है आर्म एक्ट दा दर्ज रजिस्टर होणा पाया गया। उहदे बारे असीं इहदे नाल को पुछगिछ कर रहे हां, पुछगिछ तों होर संभावना है कोई चोरियां ट्रेस होंदी।